हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोग साथ ये क्लासिक न्यूड मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जो कि ग्लैमरस न्यूड मेकअप ट्यूटोरियल है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले आपने अपना फेस वॉश करना है। ओके, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे एसेंस विच इज़ फ्रॉम लॉरियल। ये लॉरियल का रिवाइट लिफ्ट माइक्रो एसेंस है, जो कि इसमें सैलिसिलिक एसिड है, जो कि अच्छा है ऑयली स्किन के लिए, एक्ने प्रोन स्किन के लिए। आप इसकी जगह टोनर भी यूज़ कर सकते हो अगर आपने एसेंस नहीं यूज़ करना है, लेकिन अपनी स्किन को हाइड्रेट ज़रूर से कीजिए। फिर मैंने सीरम लिया है लॉरियल का ही, दिस इज़ हाइलुरोनिक एसिड सीरम। तो इसको मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी और अच्छे से मसाज करूँगी अपनी स्किन के ऊपर। और ये ऑब्वियसली जो सीरम्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, जल्दी पेनेट्रेट होते हैं, डीपर पेनेट्रेट होते हैं स्किन में और काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। ओके, जब तक मेरा ये सीरम पेनेट्रेट हो रहा था, सो मैंने अपने लेंसेज पहन लिए हैं, जो कि एक्वा लेंस के हैं, हेज़ल ब्राउन शेड है। टू फेस्ड की यहाँ पे मैंने पिलो क्रीम ली है। इसके साथ अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करूँगी। यू कैन यूज़ एनी मॉइस्चराइज़र जो कि आपकी स्किन को सूट करता है, और मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मेकअप के लिए, और स्किन को लाइक प्रेप करना बहुत ज़रूरी है ना। तो अच्छे से मैंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लिया है। अब मैं लूँगी पैक का 219 कंसीलर ब्रश, और मैंने यहाँ पे नायका की ये फेस कॉन्टोर पैलेट लिया है, जिसके साथ मैं अपनी कैंसिल आउट करूँगी जितनी पिगमेंटेशन है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मेरा ऑलवेज, मैं इसी को यूज़ करती हूँ। ये थोड़ा सा डार्कर कंसीलर है, अकॉर्डिंग टू माई स्किन टोन बहुत ही टैड बिट डार्कर है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसके साथ जितनी पिगमेंटेशन है इसको कवर कर लूँगी, बिकॉज मेरी स्किन के ऊपर एक्सट्रीम ब्लैकनेस नहीं है, एक्सट्रीम ब्लैकिश डार्कनेस नहीं है। तो हाइपर पिगमेंटेशन है लेकिन इतनी ज़्यादा डार्क नहीं है, तो इसलिए मैं ऑरेंज कंसीलर को कभी कभी यूज़ करती हूँ। तो इस पैलेट में क्या है, ऑरेंज बहुत ही ज़्यादा टैंजेरिन ऑरेंज है, तो इसलिए मैं स्किन कलर डार्क कर यूज़ किया है कंसीलर। ओके, कंसीलर को सेट करना भी ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने मार्स का ये लूज़ पाउडर लिया है, दिस इज़ ट्रांसलूसेंट लूज़ पाउडर। बिकॉज जो कंसीलर आपने लगाया है, और गर्मी का मौसम है, तो ये नहीं कि फाउंडेशन के बीच में ये मिक्स हो जाए। ओके, यहाँ पे मैंने प्राइमर लगाना भूल गई थी, लेकिन प्राइमर आपने डार्कनेस को कवर करने से पहले अप्लाई करना है, बट दैट्स ओके, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है मेकअप का। बिकॉज मैंने जो कैंसिल आउट किया है जितनी डार्कनेस को, वो मैंने माउथ के अराउंड की है, तो मैंने अपने टी जोन पे, बेसिकली फोरहेड पे और अपने नोज़ के अराउंड मैंने अपना लॉरियल का ही रिवाइट लिफ्ट ये लिया है प्राइमर, एंड दिस इज़ अमेजिंग प्राइमर। काफ़ी अच्छे से ये पोर्स को ब्लर आउट करता है और स्किन को स्मूथ बनाता है। अब मैं लॉरियल के दो फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ। एक है ये फ्रेश वेयर फाउंडेशन, ठीक है, इसका भी मैंने एक पूरा पंप लिया है। फिर मैंने लिया है ट्रू मैच, शीट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। दोनों को अच्छे से मिक्स करके यूज़ कर लें, बिकॉज जो फ्रेश वेयर फाउंडेशन है ना, उसमें मेरा शेड काफ़ी लाइट मैंने पिक कर लिया था, ट्रू मैच में मेरा शेड है जो है परफेक्ट है। ये मैंने कफ्स एंड लैशेज का लिया है फाउंडेशन ब्रश, डीप एंगल्ड फाउंडेशन ब्रश, उसके साथ मैंने स्प्रेड कर लिया है, एंड मार्स की ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। लॉरियल का इनफैलिबल 24 आवर फ्रेश वेयर कंसीलर है, और ये भी इसमें भी शेड है मेरा एम्बर, और इसको मैं यूजुअल एरियाज़ के ऊपर अप्लाई करके लाइक हाइलाइटिंग के लिए मैंने यूज़ किया है, और काफ़ी सही वाला कंसीलर है, ये बहुत ही बढ़िया कंसीलर है। 500 अराउंड आता है, लेकिन कवरेज इसकी बहुत अच्छी है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, एंड क्रीज भी नहीं करता है। अब मैं लूँगी डार्कर शेड कफ्स एंड लैशेज़ का F011 ये कंसीलर ब्रश लेके, इसके साथ मैं जितना भी कॉन्टोर शेड है कॉन्टोरिंग करूँगी क्रीम कॉन्टोर, तो इसको मैंने अच्छे से अपने अप्लाई कर लिया है, ताकि जो फाउंडेशन के साथ फ्लैट हो जाता है फेस वो नहीं रहेगा, और हमारी जो फीचर्स है वो एनहेंस होगी। और पता है कि ये ग्लैमरस न्यूड मेकअप लुक है, ठीक है, तो इसमें आपको फॉलोअप करने पड़ेंगे सभी स्टेप्स। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे निक्स की ये फेस पैलेट ली है, इसमें से कॉन्टोर शेड लेके अगेन मैं अपनी कॉन्टोर को, क्रीम कॉन्टोर को सबसे पहले सेट करूँगी। ओके, बिकॉज बहुत ज़्यादा फिर लेयर्स पाउडर्स की नहीं लगती है, तो उसके बाद मैं लूँगी अपना कॉम्पैक्ट। पहले मैंने क्रीम कॉन्टोर को सेट कर लिया है, जितना भी जहाँ जहाँ पे लगाया था क्रीम, उसके बाद पाउडर के साथ, फिर हम लेंगे यहाँ पे कॉम्पैक्ट, आप कोई भी ले सकते हो। मैंने ये स्टूडियो फिक्स लिया है मैक का, इसमें मेरा शेड है NC42, और इसको मैंने जहाँ जहाँ पे रेस्ट ऑफ द एरिया के ऊपर अप्लाई किया है, जहाँ पे मैंने कॉन्टोरिंग का पाउडर नहीं लगाया था। ओके, अब मैंने हुला का ब्रॉन्ज़र लिया है। तो ब्रॉन्ज़र क्या है, इसलिए अप्लाई किया क्योंकि एक
और भी ज़्यादा एक वार्म्थ आती है फेस में। न्यूड मेकअप लुक में ना ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपका जो फेस का ना न्यूड कलर्स में वार्म्थ काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने ब्लश लिया है की ब्यूटी का, अभी ये काफ़ी ज़्यादा आपको लगेगा लेकिन क्योंकि बाय द टाइम ये बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। के ब्यूटी का ही हाइलाइटर लिया है, शेड्स मैं आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अच्छे से मैंने हाइलाइटर को अप्लाई कर लिया है और अपने ब्राउ बोन के पास और अपनी चीक बोन के ऊपर। अब हम सभी पाउडर्स को मेल्ट करेंगे और पूरे फाउंडेशन बेस को सेट करेंगे। लॉरियल की मैंने यहाँ पे मैट फिक्सिंग स्प्रे ली है और स्प्रे करने के बाद हल्का सा पुश कर लिया है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। अब मेकअप रेवोल्यूशन की मैंने आईब्रो पेंसिल ली है, बायलेज आईब्रो पेंसिल, और ये मेरी रिसेंट परचेज है एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगी। पहले अपने आईब्रोज़ को कॉम कर लिया, जितने भी लाइक पाउडर थे वो निकल जाएंगे। फिर मैंने लिया है ये एंगुलर साइड, क्योंकि ये दो साइड में मिलता है ना, तो पहले मैंने थोड़ा सा अपनी गैप्स को जो है फिल कर लिया है, प्रॉपर एक क्लीन कर लिया है। फिर मैं इनर अपने कॉर्नर को हल्का सा फिल करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे बिकॉज एकदम डार्क नहीं अच्छी लगती है। ठीक है, एक ओम्ब्री काइंड ऑफ इफेक्ट मिल जाता है आपको, लाइट डार्क ऐसे करके। ओके, अब मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट विच इज़ इन द शेड वेलवेट रोज़, और इसमें से न्यूड ब्राउन शेड लेके इसको मैं ऑल ओवर द लिड पे अप्लाई करूँगी। पहले मैंने जस्ट कलर को डिपॉजिट किया है, फिर मैं एक फ्लफी क्लीन ब्रश लेके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी बस एजेस को, दैट्स इट। ठीक है, इसके ऊपर आप चाहे तो अगर आपकी आप साड़ी वगैरह पहन रहे हो गोल्डन कलर की तो आप इसके ऊपर ग्लिटर अप्लाई कर सकते हो, लिक्विड आई शेडो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मेरी बिल्कुल मैट एक मुझे लुक चाहिए आईज़ की तो इसलिए मैंने सिर्फ ऐसे ही अप्लाई किया। और फिर मैंने एक गोल्डन शेड लेके अपने इनर कॉर्नर्स को एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लिया है। फिर मैंने आईलैश कर्लर से अपने आईलैशेस को कर्ल किया क्योंकि मैं फॉल्सेस स्किप करने वाली हूँ। अगर तो आप साड़ी वगैरह पहन रहे हो तो आप फॉल्सेस अप्लाई कर सकते हो, अगर आप वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हो तो आप फॉल्सेस को स्किप कर सकते हो, अगर आप साड़ी पहन रहे हो तो आप फॉल्सेस अप्लाई कर सकते हो। तो लैशेस को कर्ल किया है मैंने अपनी लॉरियल की मस्कारा के साथ, वॉल्यूम लैश मस्कारा व्हाटएवर काफ़ी अच्छा मस्कारा है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक है तो जल्दी जल्दी अप्लाई करना पड़ता है। बस समटाइम्स आप अगर रीअप्लाई करते हो तो काफ़ी हैवी आपकी आईलैशेस हो जाती है, तो जल्दी जल्दी से मैंने अप्लाई कर लिया। अब रिमल लंडन की एग्जैजरेट काजल लिया है ये न्यूड शेड में और इसको मैं अपनी वाटर लाइन में फिल कर लूँगी। ओके, इसी के साथ हमारी लुक कंप्लीट हो गई आईज़ की। अब मैं लिप्स को लाइन करूँगी के ब्यूटी का फेम ये लिप लाइनर के साथ, और लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स की नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक। ओके, लिप्स को पहले लाइन करेंगे क्योंकि ब्राउन शेड में लाइन करेंगे, फिर बीच में ब्राउन लिपस्टिक फिल करेंगे। अगर आपको नहीं लिप्स को लाइन करना ब्राउन, जो अगर लिक्विड लिपस्टिक ले रहे हो तो उसके साथ भी अपना लाइन कर सकते हो। एंड दिस लिपस्टिक इज़ सो गुड, ये नॉन ट्रांसफर है, ट्रांसफर प्रूफ है, 01 इसमें मेरा शेड है जॉयफुल, और इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। इसी के साथ हमारी जो लुक है वो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन आज मैंने हेयर्स को भी ऐड किया है। सो सबसे पहले मैं ट्रेसेमे का यहाँ पे हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे ले रही हूँ, इसको मैं अच्छे से अपने बालों के ऊपर स्प्रे करूँगी, और मैं स्प्रे करने के बाद एक बार कॉम ज़रूर करती हूँ बालों को ताकि जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अच्छे से फैल जाता है आपके पूरे बालों में। ठीक है, और अब मैं सेंटर पार्टीशन करके अपने बालों को अच्छे से कर्ल करने वाली हूँ। तो अभी काफ़ी ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, ईजिली कर लेती हूँ कर्ल्स बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया मुझे करते हुए, पहले फर्स्ट टाइम मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी लेकिन अभी मैं ईजिली कर सकती हूँ। तो एक साइड पे मैंने टाई कर लिए हैं, दूसरी साइड पे ऐसे लेके आपको नीचे की तरफ अपना रखना होता है रॉड को, और अब बस सिंपली छोटे छोटे चंक्स लेके या अकॉर्डिंग टू योर कैसे आपको चाहिए, ठीक है, तो उसी के साथ आप ऐसे कर्ल कर सकते हो। लाइक 5 to 10 seconds तक आपने सिर्फ रखना है और फिर इसको उसके बाद इसको रिलीज़ कर देना है, छोड़ देना बालों को, और बस आराम से ऐसे ऐसे करके मतलब 1 by 1 में अपने बालों को अच्छे से कर्ल कर लूँगी। यू कैन सी कितने अच्छे से कर्ल हो गया है।
और ये कलर है एलन ट्रूमन का, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जो मेरी वीडियो थी उसका लिंक, तो आपको पता चल जाएगा अगर आपने इसका रिव्यू देखना है। ओके, अब मैंने वन बाय वन जैसे मैंने बोला सभी को मैं कर्ल कर लूंगी। ओके, जब आपने कर्ल्स को लूज करना है तो आप सेटिंग स्प्रे जो होती है हेयर सेटिंग स्प्रे उसको ज़रूर से यूज़ कीजिए, इसके साथ आपका लॉन्ग लास्टिंग बनेंगे और काफ़ी टाइम तक होल्ड रहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मुझे तो कहीं जाना नहीं है तो मैंने वीडियो के लिए किए तो मैंने सेटिंग स्प्रे का यूज़ नहीं किया है, आप ज़रूर से सेटिंग स्प्रे यूज़ करना। इसी के साथ फाइनली हमारी लुक जो है कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रही होगी, बिकॉज कलरफुल लुक्स को अचीव करना बहुत ईजी रहता है कलर्स के साथ प्ले करना, लेकिन न्यूड लुक को, परफेक्ट न्यूड लुक को अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो आई होप ये हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए।